गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने अप्रैल महीने में हिंदी की दो कविताएं पढ़ ली थी। आज मैं उन्हीं दो कविताओं की आपकी रिवीजन लेने वाली हूँ। पहली हमारी कविता है संत रैदास जी के पद। मैं पहले आप रीडिंग लेती हूँ आपका। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। इस पहले पद में संत रैदास जी ने हमें रैदास जी का भगवान के साथ कैसा रिश्ता है ये इसके बारे में बताया है। संत रैदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान तुम्हारे नाम की इतनी रट लग गई है, मतलब कि आदत लग गई है, कि वह आदत अब मुझसे छूट ही नहीं रही है। इसके लिए वह उदाहरण बहुत सारे हमें उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से मेरी भक्ति ईश्वर के साथ जुड़ गई है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, रट लागी इस शब्द का मीनिंग है आदत लग गई। वह कहते हैं कि मुझे प्रभु जी तुम्हारे नाम की बहुत आदत लग गई है, अब ये आदत छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। हमें ये समझाने के लिए कि उनकी ईश्वर के प्रति भक्ति कैसी है, उन्होंने चंदन का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से चंदन का पेड़ होता है वह बहुत ही खुशबूदार लकड़ी होती है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे मतलब अगरबत्तियाँ बनाते हैं, चंदन की हम खुशबू भी बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे उपयोग है चंदन के पेड़ के। तो वो कहते हैं कि तुम चंदन की तरह हो और हम पानी की तरह है, क्योंकि अगर चंदन पानी में मिल जाता है तो वह पानी भी कैसे खुशबूदार होता है। इसलिए वह कहते हैं कि तुम चंदन की तरह हो और मैं पानी की तरह हूँ। और अंग अंग बास समानी, यहाँ पर वह कहते हैं समानी मतलब समा गई। जिस प्रकार से पानी चंदन के संपर्क में आने से खुशबूमय हो जाता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारे संपर्क में आने की वजह से मेरा जीवन भी धन्य हो गया है। यह फिर दूसरा उदाहरण दिया है, प्रभु जी तुम घन बन, घन मतलब बहुत काले काले बादल। अभी बारिश का महीना है तो जिस प्रकार से अभी काले बादल छाए हुए होते हैं, उसी प्रकार के बादल को घन बन कहते हैं। बन मतलब वन, मतलब कि जंगल। हम मोरा, मोरा मतलब मोर। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि तुम घन मतलब काले बादल की तरह हो और मैं मोर की तरह हूँ। जिस प्रकार से काले काले बादल जब छा जाते हैं बारिश में, और फिर मोर बहुत ही खुश होता है और बहुत ही खुशी के मारे वह नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार से अगर तुम्हारे दर्शन मुझे होते हैं, तुम कहीं भी मुझे दिखाई देते हो, तो मैं भी उसी मोर की तरह नाचूंगा और उस मोर की तरह भी मुझे इतनी ही सारी खुशी हो जाएगी जब तुम्हारे दर्शन में पा लेता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोरा मतलब एक पक्षी होता है, वह चंद मतलब चंद्रमा और चितवत मतलब देखता है। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं जिस प्रकार से जो चकोर नाम का पक्षी है वह हमेशा चंद्रमा की तरफ बहुत ही प्रेम से देखता रहता है, मैं भी उसी तरह से तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें और एक उदाहरण दिया है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं। बाती मतलब रुई की बत्ती जो दिए में होती है। जाकी ज्योति मतलब जो ज्वलती रहती है। दिन रात मतलब हर पल, दिन के समय में, रात के समय में, ठीक मैं भी उसी तरह से हूँ जो दीपक में मतलब दिए के अंदर जो बाती होती है वह हमेशा ही जलती रहती है दिए के लिए, ठीक उसी तरह से मैं भी तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ, तुम्हारे संपर्क में रहना चाहता हूँ। यहाँ पर रैदास जी ने हमें बाती और दिए का उदाहरण देकर बताया है कि जिस प्रकार से बाती हमेशा दिन रात जलती रहती है, मैं भी तुम्हारे संपर्क पाने के लिए इसी तरह से तुम्हारी हमेशा भक्ति करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें और एक उदाहरण दिया है रैदास जी ने, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। यहाँ पर रैदास जी ने कहा है कि हे प्रभु तुम मोती की तरह हो और मैं धागे की तरह हूँ। जिस प्रकार से धागे के अंदर मोती को पिरोया जाता है, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी तुम्हारी
भक्ति या फिर तुम्हारे ऊपर की जो श्रद्धा है वो कूट कूट भर चुकी है। और एक उदाहरण दिया है, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, सोन ही मतलब सोना, जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं गोल्ड की, वो मिलत सुहागा, सुहागा मतलब जो एक धातु होता है वो सोना शुद्ध करने के लिए उपयुक्त होता है। जिस प्रकार से जो सोना है वह सुहागे के संपर्क में आने से बहुत ही शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार में मैं भी तुम्हारे संपर्क में आने से बहुत ही खुश होना चाहता हूँ और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण रैदास जी ने हमें इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि तुम स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा दासा, दासा मतलब सेवक हूँ। यहाँ पर वो खुद को सेवक बताते हैं क्योंकि सेवक हमेशा अपने स्वामी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और स्वामी की सेवा करना चाहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सेवक हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पर रैदास जी खुद को सेवक बताते हैं और उनके भगवान को स्वामी बताते हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, वो कहते हैं कि मैं एक दास रूपी भक्ति करना चाहता हूँ, जैसे एक दास अपने स्वामी की, अपने मालिक की भक्ति करता है, उसी प्रकार से मैं भी उसी प्रकार से तुम्हारी एक सेवक की तरह भक्ति करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ, नौकर हूँ और तुम मेरे मालिक या फिर तुम मेरा सब कुछ हो। जहाँ पर पद इस कविता में पहला जो स्टैंजा है उसमें जो रैदास जी है उनकी प्रभु के प्रति कैसी भक्ति है ये हमें बताया है। अब मैं दूसरा पद पढ़ती हूँ। ऐसी लाल तुझो बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे, निचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवु ते सभे सरे। यहाँ पर दूसरे स्टैंजा में, दूसरे पद में रैदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल यहाँ पर इसका मतलब हमें लेना है स्वामी, तुझे बिनु कौनु करे, कौनु मतलब कौन, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों पर दया करने वाला ईश्वर, गरीबों के ऊपर दया करने वाला ईश्वर को गरीब निवाजू कहा है, गुसैया मतलब स्वामी, मेरा माथे मतलब हमारा मस्तक जो होता है वह, छत्रु धरे मतलब मुकुट धारण करता है। यहाँ पर कहते हैं कि तुम इतने दयालु हो कि हर एक व्यक्ति का, जो दुखी व्यक्ति है चाहे रैदास जी हो या फिर अन्य व्यक्ति हो, उन सभी का दुख प्रभु जी है जो उनके ईश्वर है वह दुख हर लेते हैं। उसी प्रकार से वह कहता है कि रैदास जी कहते हैं कि तुम इतने बड़े महान हो, गरीब निवाजू हो मतलब गरीबों के ऊपर दया करने वाले हो, मेरा माथु छत्रु धरे मतलब मेरे माथे पर हमेशा तुमने छाया दी है, मतलब कि क्या, जब जब मेरे ऊपर संकट आया है उस संकट के दिनों में तुमने मेरी बहुत सहायता की है। आगे वह बताते हैं हमें, जाकी छोती, छोती मतलब छुआछूत, जगत कऊ लागे मतलब संसार के लोगों को यह लगता है कि तापर तू ही ढरे मतलब उन पर द्रवित हो जाता है। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि जिसके ऊपर मुसीबत आई है या फिर छुआछूत की प्रथा, जो कि अब इस जमाने में नहीं है, पिछले जमाने में थी, तब ऐसी छुआछूत की प्रथा में जो निचले जाति वाले लोग थे उनको स्पर्श नहीं करते थे या फिर उनके संपर्क में आने से भी लोग मैं अपवित्र हो गया ऐसा मानते थे, जो कि अब नहीं मानते हैं, पहले ज़माने में मानते थे। इसलिए वह कहते हैं कि मुझ जैसे गरीब को या फिर छोटे जाति के इंसान को भी तुमने ऊपर उठाया है, मैं जो कुछ आज हूँ सिर्फ तुम्हारी कृपा के वजह से हूँ। इसलिए वह कहते हैं कि निचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, वह कहते हैं कि निचहु को ऊंच करे मतलब निचले जाति के या फिर जो गरीब लोग हैं उनको भी ऊंची पदवी प्रदान करने वाले या फिर उनका जीवन सफल बनाने वाले, धन्य बनाने वाले तुम प्रभु हो। मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, गोविंदु मतलब श्री कृष्ण, उनके जो भगवान थे श्री कृष्ण थे उनको गोविंदु उन्होंने कहा है। वह कहते हैं कि हे ईश्वर तुम इतने महान हो,
मुझ जैसे निचले जाति के लोगों पर या फिर जो बहुत ही गरीब है, सेवक है, ऐसे लोगों पर तुमने कृपा की है, इसीलिए और तुम हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी डरते नहीं हो, सभी लोगों के सामने तुम हमारी मदद करते हो। यहाँ पर उन्होंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि जिन लोगों की प्रभु ने, ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा की थी। पहला उदाहरण दिया है, नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे। नामदेव, संत नामदेव जो है वो महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, लेकिन वो गरीब थे, फिर उनके जो भगवान हैं उन्होंने उनकी मदद की थी। ठीक उसी प्रकार से अन्न कबीर जो है, तिलोचनु ये भी एक साधु है, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य है वह, और जैसे हमारे महाराष्ट्र के हैं ज्ञानदेव है, नामदेव है, संत तुकाराम है, उसी प्रकार से वो बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। सधना ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध संत है, सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत है, तरे मतलब ये जो सारे लोग हैं, जैसे संत नामदेव है, संत कबीर है, संत तिलोचनु है, संत सधना है, संत सैनु है, इन सभी को तुमने ऊपर उठाया है, उनके जीवन को तुमने धन्य बनाया है। कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवु ते सभे सरे। यहाँ पर रविदास जी कहते हैं कि कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवु। संतहु हरि जीवु मतलब हरि जी से, ते सभे सरे मतलब सब कुछ संभव हो जाता है अगर हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा हो जाती है तो। हमारे जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना हो, उन दुखों से हम पार, हमारी जो नौका है वो पार लगा लेते हैं अगर हमारे ऊपर भगवान की या फिर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो। यहाँ पर जो पद है, इन दोनों पदों में भगवान के, कृष्ण के प्रति या फिर भगवान के प्रति उन्होंने अपना आदर भाव व्यक्त किया है संत रविदास जी ने। इसी के बारे में यह जो कविता है जो कि मैंने आपको अप्रैल मंथ में भी सिखाई थी। अब मैं आपकी दूसरी कविता लेती हूँ। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, इस नए शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। बास मतलब गंध या फिर वास, समानी, समानी मतलब सुगंध का बस जाना या फिर समाना या फिर बसा हुआ। घन, घन मतलब बादल, जो कि अभी बारिश की ऋतु में काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं उसको हम काले बादल कहते हैं। मोरा मतलब मोर या फिर मयूर पक्षी। चितवत, चितवत मतलब देखना या फिर निरखना। चकोर, चकोर एक पक्षी है। बाती, पाती मतलब बुई, बत्ती या फिर रुई, जो पुराने कपड़े या फिर रुई से बनाई जाती है जो हम दिए में लगाते हैं। ज्योति, ज्योति मतलब देवता या फिर देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक। बरे, बरे मतलब बढ़ाना या फिर जलना। राती मतलब रात्रि या रात का समय। सुहागा, सुहागा मतलब एक धातु होता है जो सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य होता है जिसके जरिए सोने को शुद्ध किया जाता है। दासा मतलब दास या फिर सेवक। लाल मतलब यहाँ पर उसका अर्थ हमें स्वामी लेना है। कौनु, कौनु मतलब कौन। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू इस शब्द का अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी। माथे छत्रु धरे मतलब मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है या फिर जो राजा पहनते थे वो मुकुट धारण करता है। छोती, छोती मतलब छुआछूत या फिर अस्पृश्यता, जो कि भारत में बहुत पहले ज़माने में इसको माना जाता था, आजकल उतना नहीं मानते हैं। जगत कऊ लागे, लागे मतलब संसार के लोगों को ऐसा लगता है। तापर तू ही ढरे मतलब उन पर द्रवित होता है। नीचहु ऊंच करे मतलब नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है, ऐसे जो भगवान है वह। इस कविता के माध्यम से सिर्फ उन्होंने भगवान की, संत रविदास जी ने भगवान की और उनकी भक्ति किस प्रकार की है इसके बारे में हमें समझाया है। अब मैं आपको दूसरी कविता की रिवीजन लेती हूँ जो कि मैंने आपको अप्रैल मंथ में पढ़ाई थी। उस कवि, वह कविता है दोहे, जो कि है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि या फिर संत, संत रहीम जी। पहले मैं उस कविता का वाचन करती हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिरी ना मिले, मिले गाठ परी जाए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब, बाटिन लेहे कोय। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए,
रहिमन मूल ही सिंचिबो फुले फले अघाय, चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश, जापर विपता पड़त है सो आवत यह देश, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कुदी चढ़ी जाही, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधी बढ़ाही कौन है जगत पियासो जाय, नाद रीझी तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहु कछु न देत, बिगरी बात बने नहीं लाख करे करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथेन माखन होय, रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाय, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये हमारे दूसरे दोहे है, दूसरी कविता जो कि संत रैदास जी ने लिखी है। संत रैदास जी बहुत ही हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी जानकारी मैंने आपको अप्रैल मंथ में हमारे ऑडियो में दी थी। अब मैं दूसरे जो दोहे है वो आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर जो रहीम जी है वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गाठ परी जाए। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं, चटकाए, चटकाए मतलब चटका कर या फिर जानबूझकर तोड़ना, पड़ी जाए मतलब पड़ जाती है। यहाँ पर रहीम जी हमें समझाते हैं कि हमें कभी भी अब हमारे रिश्तेदार है या फिर हमारे दोस्त है या फिर हमारे पड़ोस वाले हैं, उनके साथ जो प्रेम रूपी धागा है वह तुरंत नहीं तोड़ देना चाहिए। मतलब क्या, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ रिश्ते नाते जो है वह ख़त्म नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर एक बार भी हमारे जो प्रेम संबंध है, हमारे रिश्तेदार है, पड़ोस वाले है या फिर दोस्त है, अगर उनके साथ हमारे संबंध टूट जाते हैं, फिर बाद में हम कितनी भी कोशिश करें कि उनके साथ अच्छे से बर्ताव करने की, प्रेम से बातें करने की, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति के मन में, मतलब जिन दो व्यक्तियों के मन में कुछ बैठ गया है दूसरों के लिए क्योंकि झगड़े की वजह से, तो वो कभी भी नहीं जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने ये समझाने के लिए हमें धागे का उदाहरण दिया है। अगर हम जो धागा है उसको तोड़ते हैं तो वो जल्दी से टूट जाता है, लेकिन वो फिर से जोड़ता नहीं है। अगर हम जोड़ने की कोशिश भी करें जुड़ जाता है, लेकिन उसमें अगर हमारे घर में भी कुछ धागा है, सुई के साथ हम जिसको धागे का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, अगर उस धागे को हम तोड़ते हैं, बाद में हम जोड़ सकते हैं लेकिन उसमें एक गांठ पड़ जाती है। दो साइड के धागों को हम बांधते हैं तो गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार के हमारे रिश्ते का भी है। अगर हमारा रिश्ता किसी के साथ एक बार खराब हो जाए, फिर लाख हम कोशिश कर ले बाद में, वो जुड़ जाएगा, लेकिन पहली तरह नहीं होगा। उस व्यक्ति के मन में, सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे लिए कुछ कटुता रहेगी या फिर हमारे मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ कटुता रहेगी। इसलिए अच्छा है कि किसी के भी साथ संबंध जल्दी से मत तोड़ो, सभी के साथ प्रेम से रहो। इस पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें समझाते हैं। अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। रहीमन निज मन के बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब बाटी न ले है कोये। यहाँ पर रहीम जी ने बताया है कि रहीमन निज मन, निज मन मतलब अपना खुद का मन, की बिथा, बिथा मतलब दुख या फिर पीड़ा या फिर व्यथा, मन ही राखो गोय, गोय मतलब छिपा कर रखना। सुनी अठिले है लोग सब, सुनी मतलब सुनते हैं, अठिले है मतलब प्रसन्न होंगे, बाटी न लेहे, लेहे मतलब नहीं लेंगे, वो बांट कर नहीं लेंगे, कोय मतलब कोई भी। इस दोहे, दूसरे दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बताते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को हमारे मन के जो दुख है या फिर जो दर्द है या फिर हमारे जो समस्याएं हैं, उनको जल्दी से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता देना चाहिए। क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वह आपकी समस्या को सुनते तो ज़रूर है, लेकिन सुनने के बाद वह क्या करते हैं, हमारा दुख बांटते हैं क्या, नहीं बांटते हैं। अगर हमारे पास कुछ समस्या है तो उस समस्या का सोल्यूशन हमें ही ढूंढना पड़ता है, दूसरा कोई भी हमारे समस्या का समाधान नहीं दे सकता है, समस्या का समाधान हमें खुद करना पड़ता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन की जो पीड़ा है, वो किसी भी सामने वाले व्यक्ति को मत बताओ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब हम हमारा दुख उनको बोलते हैं तो वो अच्छे से सुन लेते हैं, हमें दो पल के लिए ऐसा लगता है कि हाँ
हाँ ये हमारे साथ है, हमारे दुख में खड़ा है। लेकिन दरअसल ऐसा कई लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा दुख सुनकर वह प्रसन्न, सुनी अठीले है मतलब प्रसन्न हो जाते हैं लोग, हमारे दुख से उनको खुशी मिलती है। इसीलिए अगर हमारे मन में कुछ दुख है, कुछ समस्या है, तो हमें वो मन में रखना है और उस समस्या पर समाधान हमें खुद ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमारी मदद करेगा ऐसी आशा हम नहीं रख सकते हैं। हमें खुद की मदद खुद करनी आनी चाहिए और खुद के जो मुसीबत है, जो प्रॉब्लम्स है, वो दूसरों को मत बताओ, क्योंकि वो तो सॉल्व करने में या फिर सुलझाने के लिए नहीं आते हैं। तो हमें खुद का समस्या का समाधान खुद करना सीखना चाहिए और सारे लोगों को ऐसे मत बताओ कि आपके पास क्या क्या समस्याएं हैं। इस दूसरे पद के माध्यम से रहीम जी हमें समझाते हैं कि मन की व्यथा को या फिर मन के कष्ट को आप मन में ही छिपा कर रखो, क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाता है आपके दुख, तो लोग उसमें आनंद ही लेते हैं। अब हम तीसरा जो दोहा है वह पढ़ते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फुले फले अघाए। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं। एके साधे, साधे मतलब साधने पर या फिर पा लेने पर, एके मतलब एक, सब सधे, सब सधे मतलब सब मिल जाता है, सब सध जाता है, सब साधे सब जाए, जाए मतलब चले जाते हैं। रहीमन मूल ही, मूल ही मतलब मूल को या फिर जड़ को, सिंचिबो मतलब सिंचना, फुले फले अघाए, अघाए मतलब तृप्त होना। यहाँ पर रहीम जी हमें समझाते हैं कि हमें किसको, एके साधे सब सदे मतलब एक ही भगवान को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं, तो वह भगवान हमारे सारे कष्ट दूर कर लेता है। यहाँ पर उन्होंने एक पेड़ का उदाहरण दिया है। अगर किसी पेड़ को या फिर पौधे को हम अगर ऊपर से फलों को पानी देते हैं या फिर फूलों को पानी देते हैं, तो उस पौधे की जो बढ़ोतरी है या फिर पौधा बढ़ नहीं जाता है। तो पहले अगर हमें अच्छे अच्छे फूल लाने हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लाने हैं, उस अच्छे अच्छे फल लाने हैं उस पेड़ को, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पेड़ को ही पानी देना चाहिए, उसके जड़ को ही सींचना चाहिए, तभी हमारा जो पेड़ है वो अच्छे से उगेगा, अच्छे से फूल या फिर फल हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें मूल को सींचना है। तो यहाँ पर रहीम जी का कहने का मतलब है कि मूल हमारा कौन है, हमारे भगवान है। अगर वही हमें, हमने प्रसन्न कर लिए, तो हमें सब फूल फल या फिर सब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसीलिए सारे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी एक भगवान को प्रसन्न कर लेते हो, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। इसके लिए उन्होंने पेड़ का उदाहरण दिया है। अब हम जो चौथा दोहा है वो पढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत यह देश। इस चौथे दोहे के माध्यम से रहीम जी ने जो चित्रकूट नगरी है, एक प्रदेश है वह बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रदेश है। वहाँ पर अगर हम कोई भी व्यक्ति जाते हैं, तो जो विपत्ति या फिर संकट